पहले फ्री दवाइयाँ, फिर कोरोना में भीलवाड़ा मॉडल, उसके बाद चिरंजीवी योजना में हर प्रदेशवासी को 5 लाख रुपए का मुफ्त बीमा और अब बेटियों के लिए उड़ान योजना। राजस्थान की कांग्रेस सरकार लोगों के स्वास्थ्य के लिए बेहतरीन कदम उठा रही है। राजस्थान कांग्रेस सरकार अपने 3 साल पूरे होने पर महिलाओं को एक बड़ी सौगात देने जा रही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। जिस समाज में खुलेआम सैनिटरी नैपकिन का नाम लेने तक में हिचकिचाहट होती थी, वहाँ कांग्रेस सरकार प्रदेश की बेटियों को फ्री सैनिटरी नैपकिन देने जा रही है। कांग्रेस सरकार ने महत्वाकांक्षी उड़ान योजना शुरू करके महिलाओं और किशोरियों को स्वस्थ जीवन का एक बेहतरीन तोहफा दिया है। इस योजना पर कांग्रेस सरकार 200 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिसमें महिलाओं को फ्री सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया जाएगा। प्रदेश की करोड़ों महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। इस योजना से राजस्थान की 1,20,00,000 महिलाओं को आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से जोड़कर लाभान्वित किया जाएगा। उड़ान योजना में 10 से 45 वर्ष की सभी किशोरियों और महिलाओं को कांग्रेस सरकार निशुल्क सैनिटरी नैपकिन मुहैया करवाएगी। देश में इतने बड़े स्तर पर राजस्थान कांग्रेस सरकार की यह एक अनूठी पहल है और इसकी गंभीरता इसी बात से समझी जा सकती है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिस तरह कोरोना के दौरान काम हुआ, उसी तरह का काम उड़ान योजना को सफल बनाने के लिए होना चाहिए। महिलाओं को सशक्त करने का इससे बड़ा उदाहरण क्या ही होगा।